नमस्कार, आप देख रहे हैं सिरनारद मीडिया। केंद्रीय मंत्री व लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान के निधन पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने शोक व्यक्त किया है। श्री रामविलास पासवान जी के दुखद निधन का समाचार अब से कुछ देर पूर्व प्राप्त हुआ है। पूरा देश दुखी है और बिहार तो पूरी तरह से इस समाचार को सुनकर सदमे में है। मित्रों, रामविलास जी से मेरा 30 साल पुराना संबंध रहा और मैंने देखा कि उनको जो भी विभाग मिला, केंद्र में चाहे रेल मंत्री के नाते हो, टेली कम्युनिकेशन हो, स्टील हो, हर विभाग पर उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है और जिस भी विभाग में रहे बिहार के विकास के लिए हमेशा लड़ते रहे और बिहार के लिए उनका इतना बड़ा योगदान है कि बिहार कभी रामविलास पासवान के योगदान को भूल नहीं सकता है। और मित्रों, उनकी पहचान केवल एक दलित नेता के रूप में नहीं थी और वो एक ऐसे दलित परिवार में पैदा हुए थे और नेता बनने के बाद समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने की क्षमता रखते थे। आज तक कभी उन्होंने ऊंची जातियों के खिलाफ, अन्य पिछड़ी जातियों के खिलाफ कभी कोई और ऐसी टिप्पणी नहीं की हो जो अभद्र हो, जो समाज में उत्तेजना पैदा करे। तो समाज के सभी लोगों को लेकर चलने की उनकी क्षमता थी और मेरा तो 30 साल का संबंध रहा। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। बिहार में ऐसे विरले नेता हैं जिन्होंने देश के अंदर और पूरे दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। पूरी पार्टी मरमाहत है और उनके सुपुत्र श्री चिराग